चांद पर कैसे पहुंचेगा हमारा चंद्रयान 3, चांद पर कैसे उतरेगा चंद्रयान 3, चांद पर क्या काम करेगा हमारा चंद्रयान 3, और भारत के लिए चांद से क्या लेकर आएगा हमारा चंद्रयान 3। दोस्तों, 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर भारत के लिए वो पल आया जब भारत का बाहुबली रॉकेट LV-M3M4 आसमान में बादलों को चीरते हुए चंद्रयान को लेकर चांद की तरफ चल दिया। जब रॉकेट को लॉन्च किया गया तो इसकी शुरुआती रफ्तार 1627 किलोमीटर प्रति घंटा थी। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पृथ्वी से चांद की सतह तक पहुंचने में चंद्रयान किन किन प्रक्रियाओं से गुजरेगा। यकीन मानिए, चंद्रयान 3 के इस प्रक्रिया के बारे में इतनी डिटेल से कोई भी नहीं बताएगा, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, ठीक 2:35 पर रॉकेट LV-M3M4 का इंजन स्टार्ट होता है और चंद्रयान 3 को हमारा रॉकेट बादलों को चीरते हुए चांद की तरफ लेकर चल देता है। जैसे ही चंद्रयान 3 को लेकर रॉकेट बढ़ता है तो हर एक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। चंद्रयान 3 के साथ ही हमारे चांद की अगली यात्रा भी शुरू होगी। सबसे पहले रॉकेट के दोनों बूस्टर स्टार्ट होते हैं। रॉकेट लॉन्च के 108 सेकंड बाद 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका लिक्विड इंजन स्टार्ट होने के बाद रॉकेट की रफ्तार 6437 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। बाहुबली रॉकेट LV-M3M4 चंद्रयान 3 को लेकर चांद की तरफ बढ़ता है। रोंगटे खड़े कर देने वाला वो पल बादलों को चीरते हुए अपने तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हुए LV-M3M4 चांद तक पहुंचने की अपनी यात्रा शुरू कर देता है। 130 सेकंड यानी आसमान में 62 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर दोनों रॉकेट बूस्टर अलग हो गए और रॉकेट का मैन इंजन स्टार्ट हो गया। आपको बता दें कि रॉकेट को अलग करने का काम मशीनों की मदद से किया जाता है। दोनों बूस्टर रॉकेट से अलग होने के बाद रॉकेट की रफ्तार 7000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। दोनों अलग हुए बूस्टर रॉकेट को इसरो के वैज्ञानिकों ने सॉफ्टवेयर की मदद से समुद्र में गिरा दिया और रॉकेट का मैन इंजन चंद्रयान को लेकर आगे बढ़ चला। 196 सेकंड पर रॉकेट से दोनों हीट शील्ड अलग हो गए, यानी यान के अगले हिस्से से दोनों शील्ड अलग हो गए। इन शील्ड को इसलिए अलग किया गया क्योंकि यान 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच चुका था, वहां पर हीट शील्ड की कोई आवश्यकता नहीं होती। 307 सेकंड पर रॉकेट से लिक्विड इंजन भी अलग हो गया। लिक्विड इंजन अलग होने के बाद क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट हुआ और चंद्रयान 3 को लेकर पृथ्वी की कक्षा की तरफ तेजी से अलग, यानी इस स्टेज पर हमारा चंद्रयान पूरी तरह से अंतरिक्ष में पहुंच गया था और यहां पर लिक्विड इंजन का कोई काम नहीं रह जाता। लिक्विड इंजन अलग होने के बाद क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट हो जाता है और चंद्रयान 3 को लेकर पृथ्वी की कक्षा की तरफ तेजी से बढ़ जाता है। क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट होने के बाद रॉकेट की रफ्तार 36968 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी और कुछ दूर जाकर क्रायोजेनिक इंजन भी बंद हो जाता है। इसके बाद चंद्रयान 3 रॉकेट से भी अलग हो गया और धीरे धीरे चंद्रयान 3 अपना ऑर्बिट बढ़ाकर अब चांद की तरफ आगे बढ़ रहा है। पृथ्वी की एक कक्षा में प्रवेश करने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल की मदद से इसरो इसको अब आगे उड़ाएगा। इसरो चंद्रयान को पहले तो कुछ दिन पृथ्वी के चारों ओर घुमाएगा। हर चक्कर पहले से बड़ा होगा, ये सभी चक्कर अंडाकार के होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये सभी चक्कर अंडाकार के क्यों होंगे? तो इसका जवाब है कि अगर इसरो चंद्रयान 3 को गोल चक्कर लगवाएगा तो वो सैटेलाइट की तरह पृथ्वी के ऑर्बिट में ही घूमता रहेगा, इसलिए अंतरिक्ष में किसी चीज़ को दूर भेजने के लिए अंडाकार चक्कर लगवाया जाता है। हर चक्कर पर इसरो चंद्रयान 3 को पृथ्वी के ऑर्बिट से दूर भेजता जाएगा। ऐसे करते हुए कुछ दिनों बाद चंद्रयान 3 चांद के पास पहुंच जाएगा और चांद तक जाने में इसको 6 दिन का समय लगेगा। और जब चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में घुसेगा तो वापस से वही पृथ्वी वाली प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यानी फिर इसे चांद के कई चक्कर लगवाए जाएंगे और धीरे धीरे चांद के पास ले जाया जाता रहेगा। चांद की ऑर्बिट में प्रवेश करने के बाद यान 13 दिन तक चांद के चक्कर लगाएगा। चंद्रयान 3 अपने साथ 3 अलग अलग हिस्से लेकर जा रहा है। सबसे पहला उड़ने वाला हिस्सा प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा हिस्सा उतरने वाला लैंडर मॉड्यूल और आखिरी है तीसरा हिस्सा चांद की जानकारी जुटाने वाला रोवर। ऑर्बिटर वाला हिस्सा इस बार नहीं भेजा गया है,
क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही चांद के चक्कर लगा रहा है। इसरो इन तीनों हिस्सों को इसी ऑर्बिटर के साथ लिंक कर देगा और जैसे ही चंद्रयान 3 चांद के 100 किलोमीटर के दायरे में पहुंच जाएगा तब प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग हो जाएगा। लैंडर अब चांद के ऑर्बिट में अपनी स्पीड कम करने की कोशिश करेगा। करीब 40 से 42 दिन बाद लैंडर और रोवर चंद्रमा के साउथ पोल पर उतर जाएंगे। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग 23 अगस्त की शाम 5:47 पर रखी गई है, लेकिन वहां सूर्योदय को देखते हुए उसमें बदलाव हो सकते हैं। अगर सूर्य उदय में देरी होती है तो इसरो लैंडिंग का समय बढ़ाकर इसे सितंबर में कर सकता है। चांद पर चंद्रयान 3 को उतारना इस मिशन का सबसे कठिन हिस्सा है। चंद्रयान 2 भी इसी समय फेल हो गया था। आखिरी 15 मिनट में इस मिशन के सबसे कठिन मिनट होंगे। इस बार चंद्रयान 3 का लैंड करने के लिए 2 स्थान चुने गए हैं। अगर एक स्थान पर यह नहीं उतर पाता है तो इसको चुने गए दूसरे स्थान पर उतारा जाएगा और चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। जैसे ही चंद्रयान 3 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा उसके बाद इसरो के वैज्ञानिकों की कमांड पर रोवर लैंडर से बाहर आएगा, जिसके बाद चांद की सतह पर चलकर रोवर अपने प्रयोग यानी काम करने शुरू कर देगा। इसरो ने एक बार फिर से अपने लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा है। यह अभियान चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों, मिट्टी और पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को देखेगा। यह अभियान चांद की बनावट को लेकर हमारी जानकारी में महत्वपूर्ण इजाफा करेगा। वैज्ञानिक परीक्षण के लिए यह अंतरिक्ष यान अपने साथ कई उपकरणों को लेकर जा रहा है, जिसमें सिस्मोमीटर भी शामिल है, ताकि चांद में आने वाले भूकंप को भी मापा जा सके। वैज्ञानिक इस तरह के परीक्षण से चांद के सतह के तापमान और वहां के वातावरण के अन्य तत्वों को भी जान सकेंगे। रोवर पर ऊर्जा के लिए सोलर पैनल भी लगाए गए हैं, जिसकी मदद से रोवर चांद की सतह पर एनर्जी लेती रहेगी और यह वहां पर लगातार अपने काम को अंजाम दे पाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मिशन को यानी रोवर और लैंडर को सिर्फ 14 दिन के मिशन के लिए ही डिजाइन किया गया है। हालांकि अगर सब कुछ सही रहा तो यह 14 दिन के बाद भी इस मिशन को आगे बढ़ाता रहेगा। यानी फिलहाल इसरो के पास सिर्फ 14 दिन का ही समय होगा। चंद्रयान 3 भारत के हर भारतीयों के सपने को पूरा करते हुए इसरो कई ऊंचाइयों को छू रहा है, लेकिन फिलहाल ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। दोस्तों, हम उनकी उत्साह और प्रतिभा को सलाम करते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही चंद्रयान 3 पर हम आपको आगे भी अपडेट करते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।